दिया, वो बंदी मेरे मेरे वीडियो पे आकर मुझे कमेंट करती है, मुझे बोलती है कि आपने किया है तो पहले किया, उसके बाद आपने नाम को चेंज करके सीमा सरोज ब्लॉक बताओ आपने क्यों डिलीट किया। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाने वाली थी तो आपने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। मैं अभी दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनीता लाइफ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आप जो मैंने सुबह वीडियो अपलोड की आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं। आपके कमेंट आए, आपने दुआएं मेरे लिए की, थैंक यू सो मच, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे लिए इतना सोचने के लिए, मेरे लिए इतना प्रे करने के लिए। तो दोस्तों मैं एक बात बोलने आई थी, मतलब मेरे वीडियो पे कमेंट आया था, उसी कमेंट से रिलेटेड मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तो अभी मैंने दवा खाया है, जस्ट अभी मैंने दवा खाई हूँ, तो ये फिर मैंने कहा चलो आप उनसे बात कर लूँ, काफ़ी देर से सोच रही थी आप उनसे बातें करूँ। तो दोस्तों मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे वीडियो पे कमेंट आया था सीमा सरोज ब्लॉग नाम से, ठीक है, उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि आप औरत होकर औरत की इज्जत को उछाल रहे हो, आपने अपने फेसबुक पेज पर मेरी वीडियो डाली है, नहाने की वीडियो डाली है, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं। तो मैं जब ये सुनी तो मैं बिल्कुल अचानक मेरे दिमाग की बत्ती पता नहीं कैसी होगी, मैंने कहा देखो मैंने तुरंत उनको जवाब दिया और तुरंत ही मैंने उनको इंस्टा आईडी दी और उनको मैंने जीमेल दिया अपना कि भाई देखो पहली बात तो मेरे अंदर जो नेचर है ना, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करती हूँ लेकिन मेरा नेचर जो होता है मेरी तरफ से मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से सबका भला हो, मैं कोशिश करती हूँ, भले मेरे साथ बुरा हो रहा है, जो हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है, मेरे साथ जो दुनिया जितना भी बुरा कर ली वो बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से लोगों के लिए ही अच्छा ही चाहती हूँ। और मैं ऐसा तो बिल्कुल कभी कर ही नहीं सकती हूँ कि मैं किसी दूसरे की वीडियो अपलोड करूँ है ना, मतलब फेक आईडी बनाऊँ और दूसरे की वीडियो अपलोड करूँ। तो जब उन्होंने मेरे को इतना कमेंट किया तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल हिल गया, फिर मैंने उनको जब मेल दिया तो काफ़ी उन्होंने बोला कि आप औरत होकर ऐसा कर रहे हो, हमने कहा यार मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैंने क्या किया। तो फिर मैंने जब उनको मेल दिया तो जो भी मेरी इंस्टा पे बात इस पे बात हुई ना वीडियो पे, आप लोग जाके कमेंट पढ़ना, मेरा आज की वीडियो पे कमेंट है तो आप लोग उस कमेंट को पढ़ना कि उन्होंने मुझसे क्या बोला है, और ज़्यादा हो तो मैं स्क्रीन शॉट भी लगाऊंगी, ठीक है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जब मैंने उनको मेल दिया तो मेल देने के बाद मेरी से बात हुई काफ़ी, उन्होंने मतलब मेरे साथ चैट किया, वो भी स्क्रीनशॉट में लगाऊंगी। देखिए बोल रही तो अभी भी हाँफ रही हूँ, सुबह स्कूल गई थी ना तो सब बच्चे बोलने लगे मैडम आपका चेहरा कैसा हो गया कैसा हो गया, सभी चिंता करने लगे, तो उनको क्या बताऊँ क्या हो गया। चलिए मैं बोलती हूँ आगे। हाँ जब मैंने उनसे मेल पे बात किया तो फिर उन्होंने सब मुझसे बात बोलने लगी, नहीं आपने किया है और आपके नाम से फेसबुक का अकाउंट फेसबुक पेज है। तो मैंने कहा आप स्क्रीनशॉट भेजो क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं जब कुछ कर ही नहीं तो मैं डरूँ क्यों है ना। मैंने कहा फेसबुक पेज भेजिए आप, ठीक है आप स्क्रीनशॉट भेजो उसका मैं देखती हूँ कि भाई क्या है। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा तो उसमें डेट दिया है जो फेसबुक पेज बना है मेरे नाम से बना है, एक मिनट दोस्तों, जो फेसबुक पेज बना वो मेरे नाम से बना है, उसमें 24 फरवरी 2022 को बना हुआ है। और उस फेसबुक पेज में अनीता रियल ब्लॉग जो कि मेरा चैनल जो हैक हो चुका है उसी चैनल आईडी से वो फेसबुक उसी नाम से वो फेसबुक पेज बना है। तो जिसने भी बनाया है तो बहुत गलत बात है क्योंकि आप मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, आप मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं ठीक है। तो क्या सोचते हो कि किसी को परेशान करके आप सुखी रहोगे, बिल्कुल नहीं रह सकते। और मैं इसकी कंप्लेंट फिर से मैं साइबर क्राइम में डालूंगी कि कौन बंदा है ये जो ऐसा कर रहा है उसका पता लगाना ही पड़ेगा। तो उसने मतलब 24 फरवरी 2022 को उसने फेसबुक पेज बनाया मेरे नाम से मेरे चैनल नाम से, उसके बाद उन्होंने चेंज किया उसको, उस नाम को चेंज करने के बाद सीमा सरोज ब्लॉग नाम से उसको
फेसबुक नाम मतलब फेसबुक पेज का नाम चेंज किया और लिखा सीमा सरोज ब्लॉग और उस पर उनकी वीडियोस अपलोड की। तो वो बंदी तो मुझे समझ रही कि मैंने किया है। जब उसका मैं जब उन सीमा सरोज ब्लॉग के फेसबुक पेज पर मैं गई तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे भी दो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हैं। आप जाकर फेसबुक पेज पर देखिएगा, वहाँ मेरी दो लाइव, एक ही लाइव है दो बार अपलोड हुई है और एक मेरा वीडियो है मसाज वीडियो जो मैं बनाया करती थी अनिता रियल ब्लॉग पे, वो वाला मसाज वीडियो वहाँ अपलोड है। तो एक तो ये गलत बात है, पहले आप मेरे नाम से आपने मेरा फेसबुक पेज बनाया, उसके बाद आपने मेरे वीडियो को अपलोड किया, उसके बाद आपने नाम को चेंज करके सीमा सरोज ब्लॉग कर दिया। वो बंदी मेरे वीडियो पे आकर मुझे कमेंट करती है, मुझे बोलती है कि आपने किया है। तो पहली बात तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ सीमा जी, क्योंकि मेरे नेचर में ऐसा नहीं है। मैं किसी को परेशान नहीं कर सकती हूँ। मैं भले परेशान हो जाऊँगी लेकिन मैं किसी और को नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान हो, ठीक है। मेरा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, मेरा खुद का चैनल 5 महीने पहले से ही हैक हो चुका है। मैं खुद परेशान हूँ अपने से, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ, जितने भी स्क्रीनशॉट हैं जो मेरी बात हुई है और जो भी चैनल फेसबुक पेज का है, तो मैं वो आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। उन्होंने वहाँ पर फेसबुक पेज पे भी जाकर मैंने जब सर्च किया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे दोस्तों सच में कुछ ही नहीं पता था, ये मुझे पता चला सीमा सरोज जी से, ठीक है। जब उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया तब मुझे पता चला कि ऐसा भी फेसबुक पे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो एक तरह से मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके जैसे ही मतलब मुझे पता चला, ठीक है, मैं आपकी वजह से पता चला। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप जाके कंप्लेन कीजिए और मैं भी कंप्लेन करूँगी, ठीक है, क्योंकि आपके नाम से उधर आईडी बनी हुई है ऊपर, ठीक है। नाम पहले मेरा यूज़ किया गया, फिर आपका यूज़ किया गया, तो ये दोनों को ही बदनाम किया जा रहा है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ ये सब सुन सुन के। मुझे एक तो मुझे ऐसी टेंशन है कल से, जब मेरी तबीयत खराब चल रही है और ये सब मेरा सोनोग्राफी रिपोर्ट है, ऐसी मैं बहुत टेंशन में हूँ, ठीक है। ऐसे मैं परेशान हूँ और पता नहीं क्यों कितनी परेशानी और मेरे को लिखा हुआ है। मैं तो ऐसे कंप्लेंट करूँगी, कौन बनता है जो फेक आईडी बनाकर मेरा नाम से बनाकर वो ऐसा कर रहा है। मैं एक बार फिर जाऊँगी जबलपुर, तो फिर मैं ये सारी सूचना वहाँ जाकर दूँगी, ठीक है। और वहाँ मेरी वीडियो भी अपलोड है। तो ठीक है दोस्तों, बस यही जानकारी बताने के लिए आई थी। तो मैं सारे स्क्रीनशॉट यहाँ लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग वॉच कीजिएगा, फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों का प्यार आप मुझे मिला, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की आप जल्दी ठीक हो जाओ, तो आपके बस आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए, आपका प्यार मिलना चाहिए। और वीडियो पे वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ फुल सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं YouTube पे इसलिए ही आई हूँ कि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल पाए, थोड़ा सा मुझे फैमिली सपोर्ट मिल पाए, फैमिली को हेल्प मिल पाए। और अभी पता है कि मेरी अब दवाइयाँ चलेंगी अभी हर मंथ में, जो कि मेरा इतनी औकात नहीं है कि मैं अपनी दवाइयाँ करा पाऊँ। तो प्लीज़ आप जब सपोर्ट करोगे, आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाओगे, शेयर करोगे, तो ही थोड़ी बहुत जो मेरी मुझे अर्निंग होंगी तो मैं अपना इलाज करा पाऊँगी। तो दोस्तों मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, मैं अब चाहती हूँ कि मुझे आप सपोर्ट करो। सांस फूल जा रही, मैं आज पढ़ा भी नहीं पा रही थी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप लोग स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मैं यहाँ लगा दूँगी। तो दोस्तों मैं फिर से वापस आई हूँ। मैं अभी जब मैं इंस्टा आईडी बोल रही हूँ, मैं जब अपने वीडियो पर गई तो सीमा सरोज का जो कमेंट था, जो मेरी उनसे अपने ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो चैट हुई थी, वो चैट उन्होंने डिलीट किया। तो आपने डिलीट क्यों किया ये मुझे बताओ, आपने क्यों डिलीट किया? मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाने वाली थी तो आपने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं अभी मेरे जो मेल पर है वो मैं देखती हूँ, मैं कहीं आप उसको मैं अभी यहाँ पर लगाऊंगी, क्योंकि इंस्टा उसी समय मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना था, बट आपने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, तो मैं जो बात हुई है वो मैं वहाँ लगाऊंगी, उसको दोस्तों देखिएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे खिलाफ़ कोई साजिश हो रही है कि कुछ और हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कि मुझे सच में मुझे
सच में परेशान किया जा रहा है क्या ये सब बातें करके। तो भगवान ही जाने क्या सच्चाई है क्या गलत है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि परेशान किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आपने इंस्टा क्या आपने सॉरी इंस्टा बोल रही हूँ, आपने वीडियो पे कमेंट जो किया था उसको डिलीट कर दिया है, मेरा वो सब कमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैंने काफ़ी ढूंढा, मैं मेल का लगाती हूँ ठीक है।